मैं रोड से जा रहा था और बाजू में ऐसे कचरा पड़ा हुआ मुझे दिखा, बहुत 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 बू आ रही थी, गंदगी थी वहां पे। तो उस कचरे से किसी बंदे का पैर हिल रहा है। एक बाबा जो है वो एक बाबा पड़े थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और तब से लेके आज तक वो 10 साल वहीं पे पड़े हैं। फिर हमने उनको नहलाया धुलाया और एक ओल्ड एज होम में हमने उनको दाखिल किया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पे पूरा क्लिनिक लेके चलता हूँ। जो भी रिलीजियस स्पॉट से उनके बाहर भीख मांगने वाले जो लोग होते हैं उनको रोड पे ही मेडिकल सर्विसेज देता हूँ। ये लोग रोड पे होते हैं, रास्ता कभी क्रॉस करते हैं तो गाड़ी कोई धक्का मार के चली जाती है। गाड़ी गई हमारे अंग पे से, जब से ये आधा अंग गया काम से, फिर अभिजीत सोनव ने उन्होंने हमको देखा, अच्छा किया। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं। मैं जब सुबह देखता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है ये शाम तक बच पाएगा कि नहीं, नहीं मालूम। 15 अगस्त 2015 को मैंने जॉब छोड़ दिया है और तब से लेके आज तक एज ए डॉक्टर फॉर बेगर्स ही करता हूँ। हम सभी लोगों की ब्लड टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि डायबिटीज भी है। सभी में एनीमिया मतलब खून की कमी होना, आँखों को कम दिखना। अब इनको कौन चेक करेगा, कौन चश्मा देगा? तो हम लोग जिसको चश्मा लगा है उनको चश्मा देते हैं और जिनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन अगर करना है तो हम वो ऑपरेशन भी करके देते हैं। मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग सकते हो तो मंदिर के बाहर बैठ के चीजें बेच क्यों नहीं सकते? दृष्टिकोण का फर्क है सिर्फ। 150 लोगों ने भीख मांगना छोड़ दिया है और कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनके 52 बच्चों को अडॉप्ट किया है, उनको एजुकेशन सिस्टम में उनको लिया है। इस काम ने मुझे कम से कम 200-300 बाप दिए हैं, 200-300 माँ दी है और इस उम्र में मुझे 200-300 बच्चे भी हैं। टोटल 1100 लोगों की फैमिली है मेरी। मेडिसिन लगता है, लंबर बेल्ट, नी बेल्ट, ये वॉकिंग स्टिक होते हैं, वॉकर होते हैं, क्रचेस होते हैं। सबसे ज़्यादा लगने वाली चीज़ है मुझे पेन रिलीवर क्रीम। कम से कम दिन में 200 या 300 पीसेस मुझे रोज लगते हैं। अगर मुझे हेल्प मिल जाती है तो हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट और ज़्यादा खरीद सकते हैं और ज़्यादा लोगों के पास हम पहुँच सकते हैं।